ऐसा हेयर मास्क जो बालों को सुपर शाइनी बनाता है, बालों को कलर करता है, हेयर ब्रेकेज डैमेज को रिपेयर करता है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अर्शी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बालों को कलर करने के लिए कई लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग डाई लगाते हैं। इससे बाल थोड़े समय के लिए कलर तो हो जाते हैं, लेकिन केमिकल होने की वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। और अगर मेहंदी या कलर आप लगाना छोड़ देते हैं तो इससे बाल और भी ज्यादा ग्रे और व्हाइट होकर डैमेज हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इन सब फुल ऑफ केमिकल कलर को छोड़कर आज मैं आपको एक ऐसे कलर के बारे में बताऊंगी जो आप घर में कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके बालों को कलर करता है, बल्कि आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल चमकदार बनते हैं, बालों में अमेजिंग लस्टर आता है और डैमेज बाल भी ठीक होते हैं। ये DIY मैरून कलर प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चकुंदर का जूस। मिक्सी या जूसर जार में जैसे भी आपको निकालना है आप निकाल लीजिए। आधा गिलास मैंने इसमें चकुंदर का जूस लिया है। चकुंदर में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये ड्राई बालों को स्मूथ बनाता है, बालों का रूखापन खत्म करके उनको सॉफ्ट करता है। इससे हमारे बालों में नेचुरल कलर आता है, मैरून आपके बालों में कलर आपको देखने को मिलेगा आधा गिलास चकुंदर का जूस लेने के बाद। सेकेंड हम यहाँ पर लेंगे एलोवेरा प्लांट बेस। जी हाँ, प्लांट बेस एलोवेरा हमने लेना है। हमें यहाँ पर चाहिए होगा एलोवेरा की 2-3 पत्तियां, आप तोड़ लीजिए। पत्तियों को वॉश करके इसका जेल निकालकर आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। ये जेल आपके बालों को इतना मजेदार बना देगा ना, बहुत ही जबरदस्त शाइन बालों में आता है, ये बालों में डेवलपमेंट करता है, इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होती है। जब हम चकुंदर के रस के साथ इसको मिक्स करके लगाएंगे तो बालों में बहुत ही ब्यूटीफुल ये कलर देगा और हमारे बालों को अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा। तो हाफ ग्लास बीटरूट जूस यानी चकुंदर के जूस में हम ऐड करेंगे हाफ ग्लास एलोवेरा जेल। देन मैंने इसमें ऐड किया है राइस वाटर। आपको कुछ नहीं करना होता है, चावल आप 2-3 घंटा भिगोकर रख दीजिए। चावलों की जितनी भी गुडनेस होगी वो पानी के अंदर चली जाएगी, इसी पानी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चावलों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। साथ ही अगर कलर करने से हेयर ब्रेकेज बालों में हो रहा है, चावल के पानी में इतना पावरफुल क्वालिटी होती है, खराब बालों को रिपेयर करके उनको हेल्दी भी बनाता है। 4-5 चम्मच मैंने इसमें राइस वाटर यानी चावलों का पानी ऐड किया है। इसके बाद लास्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है हर तरीके से, केमिकल से हमारे स्कैल्प में नरिशमेंट देता है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इससे हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, ये हमारी हेयर थिकनेस करता है एंड इट इज ऑल्सो इम्प्रूव हेयर इलास्टिसिटी। 1-2 यहाँ पर मैंने विटामिन ई कैप्सूल ऐड किया है। हाथों से सारी चीजों को मिला लीजिए। इस तरीके से होममेड हेयर कलर आप रेडी कर लेंगे। इसकी खास बात यह है कि बालों में मेहरून कलर देता है, साथ ही इससे बाल बहुत ही जल्दी मुलायम हो जाते हैं। ऐसा कोई कलर नहीं होता जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी करता है, बिकॉज ऑफ एलोवेरा और बीटरूट ये हेयर ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। हफ्ते में 2-3 बार आप इसे लगा सकते हैं, आपको शैम्पू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपके बालों में ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये बिल्कुल जेल जैसा बन जाता है, बस आपको इसे अपने बालों की लेयर टू लेयर में लगाना है, जड़ों से लेकर पूरी लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करिए। बहुत ही सुपर्ब कलर आपको ये आपके बालों में देगा, आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देगा और अच्छी लेंथ भी देगा। आप इसको कंटिन्यू हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करिएगा। आप इसको कोई जादू समझकर नहीं लगाइएगा कि आपने लगाया और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, इसका लगातार इस्तेमाल आपको अमेजिंग रिजल्ट देता है। ये एक ऐसा मास्क है, इसको लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे बालों में लगाने के बाद बालों को बांध लें, 1 घंटा रखें और उसके बाद सादे पानी से वॉश कर लें। सो इस DIY कलर को हफ्ते में 2-3 बार आप कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।